नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं आज आपको संडे स्थल में एक नई चीज़ दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक के मोटिवेशनल की बात हुई और तमाम से लोगों का इंटरव्यू हुआ, आज मैं ऐसी सक्सेस इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो वास्तव में लगभग हर घर की ख्वाहिश होती है, हर महिलाओं की और हर पुरुषों की ख्वाहिश होती है। जी, हम सीतापुर के एक ऐसे शख्सियत के पास में आए हैं, ये आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से एक मछली का पूरा जो एक बिजनेस है, बिजनेस नहीं कह सकते, मछली से जिनको लगाव है उनको ही ये बिजनेस फलता है, वही आजकल इस दौर में कर पाते हैं। आप देख रहे होंगे मित्रों कि किस तरीके से यहाँ पे ये मछलियाँ और तमाम से किस्म की हैं, और ये देखिए इस तरीके से इनका जो खूबसूरती का दाना होता है, ये देखिए इनका बहुत स्टॉक है। ये तो इनका शोरूम है, बाकी इनके गोदाम में बहुत सी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो ऐसे पत्थर हैं, यहाँ पे कम जगह की वजह से मार्केट में होने के कारण से नहीं रख पाए हैं। ये बहुत कुछ है यहाँ पे, बस डेमो टाइप में आपको बताया जाएगा। और अब हम बात करते हैं सीधे सीधे यहाँ के ऑनर से, जो अभी आपको बताएंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारी शॉप का नाम है सोनू फिश एंड पेट शॉप। अच्छा, तो ये कहाँ पे है? गायत्री मंदिर जेल रोड सीतापुर। अच्छा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश का सीतापुर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका जो व्यवसाय है, व्यवसाय कह सकते हैं जो लगाव है, तो ये सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि मछलियों का शुभ और अशुभ का क्या होता है? देखिए, मछलियाँ जो है आप वास्तु के हिसाब से पालेंगे तो शुभ माना जाता है। जैसे घर में एंट्री करिए तो एक्वेरियम दिखना चाहिए या आने में दिखना चाहिए आपको, ये शुभ माना जाता है। सुबह सुबह आप मछलियों को दाना दीजिए, वो भी शुभ माना जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो, जैसे घर में कोई भी दिक्कत आने वाली है परिवार पे, तो वो मछलियाँ ले लेती हैं। यही सब अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा, देखिए बहुत ही सरल भाषा में बताया है सर ने कि किस तरीके से मछलियों का महत्व है। आइए सर, जो मछलियों के साथ में जो कछुआ छोटा सा होता है, बड़ा सा होता है, जिसकी मुझे लगता है कि 300, जो मैंने पढ़ा है, 300 साल उसकी अपनी आयु होती है, उम्र होती है, तो कछुए का क्या महत्व है घर में, परिवार में? कछुए का जो महत्व है, आपको कछुआ पालने में अच्छा भी है और प्लस जो है इसमें लक्ष्मी आती है, पैसे मतलब में कहीं ना कहीं लक्ष्मी का आगमन के लिए इसे एक यंत्र कह सकते हैं, एक कुदरती यंत्र। जी जी, तो ये चीज़ है। तो इसको अगर जो इंसान घर में, अच्छा, इसको शॉप में भी रखा जा सकता है और घर में भी? शॉप में भी रखा जा सकता है, घर पे भी रख सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, शॉप पे या शोरूम, शॉप पे या दुकान पे रखने पे क्या लाभ होने के आसार होते हैं माना जाता है? कस्टमर की ज़्यादा प्राप्ति होती है। अच्छा, और लक्ष्मी ज़्यादा आती है, यही सब है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत कुछ है। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं सर के पास, जो स्टॉक है ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से इनके पास बहुत सा, जिस बात से ये ताल्लुक़ रखते हैं मछलियों के कारोबार से, मछलियों का पालन करने के लिए, उसी पास इनके बहुत से स्टॉक हैं। अरे सर, मैं ये देख रहा था कि आपके पास ये कुछ पैकेट जो काउंटर पड़े हैं, तो इसमें क्या क्या क्वालिटी है आपके पास? जी, ये ऑप्टिमम का है, महीन दाना बोलते हैं, ये कस्टमर यहाँ ज़्यादा पकड़ता है। अच्छा अच्छा, ये टर्टल फूड है आपका। जी, टायो डिस्कवरी का। जी जी, ये गोल्ड टोकियो का दाना, ये भी काफ़ी लोग लेते हैं, अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। जी, ये टायो डिस्कवरी जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका दाना है। जी जी सर, और ये बेस्ट फॉर एक्वा का दाना है, ये भी अच्छा दाना है। दोस्तों, दाने की क्वालिटी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से, ये है कि इस तरीके से रेड कलर का इसमें दाना है और इसमें रेड और ग्रीन करके दाना है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसको आगे मत बढ़ा के देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को अपने जरूर शेयर कीजिएगा। इस तरीके से देखिए भैया के वहाँ बहुत ही बेहतरीन वो है, जिसमें जार में ला के, अभी तो कुछ लाइट का इशू है इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा मुझे लगता है, लेकिन मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि इस तरीके से है। ये भाई साहब की जो शॉप है, सीतापुर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जो लखनऊ से सटा हुआ है, वहाँ पे इनकी शॉप है, और यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पे मछलियाँ लेने आते हैं, जार लेने आते हैं। इनका तो ये छोटा सा था, आप देख रहे होंगे, इनकी खाली शॉप है, इनका गोदाम बहुत बड़ा है, वहाँ तो पहुँचा थोड़ा सा भी टिपिकल होगा। तो अगर भैया, अगर आपसे कोई लेना चाहे, जैसे घर में सब लोग होते हैं, तो कैसे, मतलब ऑनलाइन मंगा सकता है कि ऑफलाइन? ऑनलाइन भी है हमारे यहाँ। जी जी, डिलीवरी भी सुविधा है, घर पे भी चला जाएगा। तो होम डिलीवरी कहाँ तक करते हैं सर, पूरे यूपी में?
पूरे यूपी में अगर कहीं भी बताएंगे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि सर होम डिलीवरी के लिए भी मतलब यहाँ पे व्यवस्था की गई है, और अगर आपको कहीं भी किसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप संपर्क करके अपने मनचाहा मछली और जो भी जानकारी लेना है, सर का नंबर दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या दिव्यांग चैनल के MD श्री विष्णुकांत मिश्रा जी से ले लीजिएगा, तो आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत सा ऐसा स्टॉक है जो मतलब जल्दी लोगों को प्राप्त नहीं होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इस तरीके से इनका बहुत सा मतलब, अगर कैमरे को ऊपर उठाया जाए तो इनका बहुत सा ये है कि ये कछुए का साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि ये कछुए का पूरा सिस्टम है। तो ये संडे स्पेशल आज के लिए होने वाला है, क्योंकि मछली पालन एक व्यवसाय के रूप में नहीं, घर में शौकीनी के रूप में, घर में धन की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए और घर की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, इसके इसमें मछलियों में सर बीमारियां क्या क्या होती हैं? मछलियों में जाड़ों में जो है हीटर लगाइए आप, बस अच्छा। फंगस हो जाता है, अगर हीटर आप नहीं लगाएंगे तो फंगस होगा, और हीटर अगर आप शुरुआत में ही लगा लेते हैं दिसंबर में ही तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलती हैं। अगर आजकल की सर बात की जैसे गर्मी है तो इसमें जो फिल्टर लगता है, फिल्टर ऑक्सीजन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलेगा। तो जैसे मानव को मैं पूछना चाहूँगा आपसे एक नॉर्मली सवाल, जो मानव जाति होती है, मेल या फीमेल की बात की जाए, एज की बात नहीं, तो उनको मौसम के विपरीत चीज़ें चाहिए होती है। जैसे आजकल गर्मी है तो ठंडा चाहिए, और जाड़ों में गर्म का एहसास होना चाहिए, तो क्या मछलियों का भी और कछुओं का भी ऐसा है? हाँ ऐसा है। अच्छा, जाड़ों में जो हीटर लगता है, गर्मियों में फिल्टर की स्पीड बढ़ा दी जाती है। अच्छा अच्छा, बस इतना आप करिए सही रहेगा। अच्छा अच्छा जी, तो जैसा हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इससे फायदे क्या क्या होते हैं मछली के पालन से? मछली के पालन से बहुत कुछ फायदे हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, और जैसे कोई भी आपत्ति आने वाली है परिवार में किसी को भी, तो वो मछलियाँ ले लेती हैं अपने पे। अच्छा अच्छा, मछलियों का ऐतिहासिक एक अपना ओहदा रहा है, एक अपने मतलब विशेष पूरे दुनिया में, पूरे यूपी की बात नहीं, पूरे इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया में मछलियों का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा आप लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा होगा और तमाम सी किताबें पढ़ी होगी। हमारे व्यूवर्स जैसे सर जानना चाहेंगे कि इसके रख रखाव, क्योंकि बहुत अनुभव नहीं होता है लोगों को, तो इसका रख रखाव कैसे किया जाए सर? इसको रखने में क्या, जैसे एक्वेरियम आप ले जाते हैं तो उसको आप उसके नीचे जो है आप थर्माकोल लगाइए जी, कि एक्वेरियम जैसे कोई भी जमीन ऊंची नीची है तो वो थर्माकोल एडजस्ट करेगा। और बाकी जो है इसको गर्मियों में जो है 2-4 महीने में इसका पानी चेंज करना पड़ता है जी, और फिल्टर लगे होते हैं, मशीनें लगी होती हैं, आप फिल्टर खोलिए उसको। अच्छा, और जाड़ों में जो है कम से कम 2-2.5 महीने बाद उसमें भी पानी चेंज होगा, क्योंकि फिल्टर आप धुलते रहिए, और दाना कम डालिए, पानी गंदा नहीं होगा। आप ज्यादा दाना डालेंगे तो जल्दी जल्दी आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। अगर बात की जाए तो लगभग एक मछली को कितना दाना 24 घंटे में चाहिए? एक मछली को 24 घंटे में 2-4 दाने चाहिए। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि दाना ज्यादा खाने से, ऐसी लोग बताते हैं बात कि ज्यादा दाना खाने से मछलियाँ मर जाती हैं, तो ये क्या सच है? हाँ ये सच है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए मछलियों को, क्योंकि वो पेट के अंदर फूलता है, इस वजह से दिक्कत होती है। अच्छा, तो जो आपका ये दाना है जो आपने काउंटर पे रखा है ये पेट में जाने के बाद फूलता है? अच्छा अच्छा, मछलियों के जी। अच्छा अच्छा, कछुए का कुछ इससे डिफरेंस अंतर है क्या? कछुए का क्या है, कछुआ जो है वैसे अलग पालना चाहिए, और जो है थोड़ा उसको दाना देना चाहिए, 4-5 स्टिक दाने की। अच्छा अच्छा, यही सब उसमें भी है, उसमें जो है पानी जल्दा गंदा होता है कछुए में जी। अच्छा अच्छा, इस वजह से हम कह रहे हैं कि उसको अलग पालना चाहिए। तो कछुए में कितना अंतराल रखना चाहिए पानी का बदलने का? स्टैंड आता है वो बन जाता है स्टैंड, जब सूखे में जाना चाहेगा सूखे में चला जाएगा। अच्छा अच्छा, और जब गीले में आना चाहेगा गीले में, मतलब उस घर के मतलब सदस्य को कुछ नहीं करना, को अपने आप स्वतः अपनी मर्जी से अपने आप तय कर लेगा कि उसको पानी में जाना है किसको सूखे में रहना है। तो ये तो खैर आप लोगों के सामने नई चीज़ है कि जो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी महत्वपूर्ण बात कि इस तरीके से कछुए का जो है मछली का, तो थोड़ा बहुत पता था लेकिन कछुए के बारे में जो बात जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अगर कोई भी आपसे सामान मंगाना चाहेगा तो उसे होम डिलीवरी जैसे आपने बताया है। डिलीवरी सुविधा है। अच्छा चलिए ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।